धमकी होती ही सिर्फ देने के लिए है, उसको मानना नहीं है। कंगना ने भी सोच समझ के ही फिल्म बनाई होगी, वो कोई मेंबर पार्लियामेंट है, पढ़ी लिखी लेडी है। क्रिएटिव वर्क को आप क्रिटिसाइज करें या एनालाइज करें उसके रिलीज होने के बाद, उससे पहले जो कुछ भी हुआ होता है मुझे जायज नहीं लगता है। कोई ऐसी चीज ना दिखाई जाए जिससे किसी को आपने बैड लाइट में दिखाया है, या एक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपने बुरी लाइट में दिखाया है, बैड लाइट में दिखाया है। अगर ये बाहर आएगा या लोग ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आई एम श्योर दे हैव अ रीजन। क्या देखो, धमकियां तो आती रहती हैं और जाती रहती है। धमकी होती ही सिर्फ देने के लिए है, उसको मानना नहीं है। धमकियां देने वाले लोग सिर्फ धमकी देते रहेंगे, और मुझे लगता है कि फिल्म तो देखो रिलीज होनी होनी है। और कई बार ना ये पब्लिसिटी का भी एक तरीका होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर सच्ची में वो धमकी है भी तो भी देखो फिल्म तो रिलीज होगी, उसका कोई आप रोक नहीं सकते। और कंगना की फिल्म में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के बाद मैं कंगना को इस रूप में देखना चाहती हूँ। तो क्योंकि हाल ही की कुछ फिल्म्स कंगना की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करी, और मैं पर्सनली मैं कंगना को बहुत लाइक करती हूँ, तो मैं देखना चाहूँगी इमरजेंसी फिल्म। किसी भी तरीके से कोई धमकी देना या अनडेमोक्रेटिकली इलीगली जान पे धमकी देना, या ये कहना कि हम आपको, ये गलत है, ये सरासर गलत है। और हमारी कंट्री में फिल्म को सेंसर मिल भी जाती है और फिल्म रिलीज भी हो जाती है, रिलीज होने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है फिल्म में, तो आपको कोर्ट जाने, आप मारपीट नहीं कर सकते, आप थिएटर नहीं जला सकते, आप सड़कों पे आके आप राइट नहीं क्रिएट कर सकते। इसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों में हुआ, पद्मावत में हुआ, उसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों में एक अनडेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट हुए हैं, और हमने हर वक्त उसको ऑब्जेक्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर की अपनी आजादी है, जो जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं उनकी अपनी आजादी है, लेकिन कानून के दायरे में अगर आप कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हो तो वो जो है वो लोगों को एक्सेप्टेबल है। कंगना ने भी सोच समझ के ही फिल्म बनाई होगी, वो कोई मेंबर पार्लियामेंट है, पढ़ी लिखी लेडी है। और ऐसे कोई भी फिल्म मेकर हो, जब भी वो फिल्म बनाता है उसका जो कट पॉइंट है वो है सर्टिफिकेशन बोर्ड, सेंसर बोर्ड। फिल्म वहां जाती है, मैं एज अ मेकर फिल्म को वहां डालता हूं। सेंसर बोर्ड में पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, हर 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 प्रोफेशन के लोग हैं, कमिटी मेंबर्स हैं, वो फिल्म देखते हैं। और अगर मेरी फिल्म को जो कट्स मिलते हैं, और अगर मैं कट्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो मैं रिवाइजिंग कमिटी में जाता हूं, रिवाइजिंग कमिटी सजेस्ट करती है, तो एक पूरा प्रोसेस है। और अगर मुझे रिवाइजिंग कमिटी का भी डिसीजन करेक्ट नहीं लगता, तो एज अ मेकर मैं कोर्ट जाता हूं। बहुत सारी फिल्में जो है वो कोर्ट गई और कोर्ट से अपना अपने लिए जस्टिस लेके आई है। तो इस कंट्री में वायलेंस जो है वो मुझे लगता है कि गलत है, और हर फिल्म मेकर को अपने हिसाब से फिल्म बनाने का हक है। और CBFC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो डिसाइड करती है कि इस फिल्म में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्रिएटिव वर्क को आप क्रिटिसाइज करें या एनालाइज करें उसके रिलीज होने के बाद, उससे पहले जो कुछ भी हुआ होता है मुझे जायज नहीं लगता है। अब उसके बाद कुछ आपत्तिजनक है उसके अंदर या कुछ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, दे कैन ऑलवेज रेज दैट। लेकिन किसी चीज को बिना देखे इस तरह की जजमेंट पास करना, तो पर्सनली मेरे पर्सनल लेवल मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी आई एम श्योर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके अपने रीजंस होंगे, बट फ्रॉम आउटसाइड आई फील इस चीज की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत जी की जो ये फिल्म है इमरजेंसी, ये रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो ट्रेलर आया था उससे देख के एक फिरका, एक तबका जो है वो आहत हुआ है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करने का हक तो सबको है, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोर्ट में जाने का भी सबको हक है। और अगर कंगना जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो भी कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं,
कोर्ट जो है सबके लिए खुला हुआ है और आखिरी फैसला जो होता है वही कोर्ट का सही होता है, वही इंसाफ करता है। तो मैं यही कहूंगा कि इमरजेंसी पे पहले भी काफी फिल्में आई हैं लेकिन ये फिल्म काफी चर्चित हो रही है। देखिए क्या है कि अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आहत होती हैं, उससे क्या होता है कि मुल्क में बदअमनी फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन अदालतें खुली हुई हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है हमारे यहां और हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन है सेंसरशिप का वो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है। लेकिन उन्हें भी कई बार ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना दिखाई जाए जिससे किसी को आपने बैड लाइट में दिखाया है या एक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपने बुरी लाइट में दिखाया है, बैड लाइट में दिखाया। तो फिल्म भी रिलीज हो रही है, ये जो नया विवाद शुरू हो रहा है ये क्या किस करवट लेगा ये आगे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी हो अमन और शांति से हो और अगर किसी बात पर एतराज है उस पर गौर किया जा सकता है और अगर ऐसा लगता है कि इसे दिखाने से डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक दिया गया है लेकिन इसके साथ साथ किसी के जज्बात मजरू करने का आपको कोई हक नहीं है, किसी भी कम्युनिटी को आपको बैड लाइट में दिखाने का कोई हक नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी कहती है। हर देश में हर इंडस्ट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत जरूरी है, बट एक दायरे के अंदर। यू नो आई फील कि अगर ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे सेंसर बोर्ड ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल बॉडी है तो उन्हें पता है कि यार अगर ये बाहर आएगा या लोग ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई एम श्योर दे हैव अ रीजन, बट आई एम होपफुल कि यार ये रिजॉल्व हो जाए, सबकी पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।